नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, फॉक्स न्यूज ने किया ऐलान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के चश्मदीद को जान से मारने की धमकी, अनजान शख्स ने फोन पर मांगे 5 करोड़ रुपए। वाराणसी में अफसर की बंद कमरे में लाश मिली, बेड पर शव, फोन नीचे गिरा था, रात को हुई थी परिवार से बात। LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारी 7500 kg वजन वाले व्हीकल चला सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का फैसला बरकरार रखा, कहा यह रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है। अकरबुद्दीन ओवैसी ने फिर किया 15 मिनट का जिक्र, 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। लखनऊ में साइड न देने पर एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटा, गर्भवती दर्द से कर रहा रही थी, दरोगा ने एम्बुलेंस चलाकर अस्पताल पहुंचाया। बिना सूचना नाहरगढ़ पर प्रवेश बंद, पर्यटकों को हुई परेशानी, उमर रोड से जयगढ़ फोर्ट तक सड़क का काम हुआ शुरू, फोर्ट देखने नहीं जा पा रहे लोग। पटना एयरपोर्ट लाया गया शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर, घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, छठ के पहले दिन दिल्ली एम्स में निधन। आज से शुरू हुआ छठ पर्व का निर्जला व्रत। लखनऊ में सिटी बस ने युवक को कुचला, मौत, बापू भवन के सामने सड़क पार कर रहा था, गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भड़की भाजपा, कहा इसी वजह से लोग उन्हें नेता नहीं मानते। अमेरिका में ट्रंप की बढ़त से झूमा भारतीय बाजार, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,400 के पार। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त किया, कहा हमारे बीच भरोसा खत्म हो गया था, जंग में दुश्मन इसका फायदा उठा रहे। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा का पीए अरेस्ट, कलेक्टोरेट कर्मी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश, विरोध पर गोली भी चलाई। गठबंधन धर्म का पालन नहीं, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी आलाकमान से की पार्टी नेताओं की शिकायत। IPL मेगा ऑक्शन 24-25 नवंबर को सऊदी अरब में नीलामी, पंत, केएल राहुल और श्रेयस पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव के साथ कई मुद्दों पर बीजेपी ने की बैठक, बागियों पर गिरी गाज। रामायण का पहला पोस्टर जारी, रणबीर कपूर साईं की फिल्म 2 भागों में होगी रिलीज। ये इतिहास का सबसे महान सियासी पल, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका अब तक का बेहतर अमेरिका होगा, चुनाव में मिली जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।